वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पेंड्रम डबल प्लस क्रीम या फिर आप कोई और स्टेरॉयड क्रीम का यूज़ करके आपके फेस पर साइड इफेक्ट हो गए हैं, यानी कि रेडनेस की प्रॉब्लम आपके फेस पर आ रही है और अन्य प्रकार के पिगमेंटेशन और साइड इफेक्ट्स की प्रॉब्लम आपको हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि दोस्तों आप अपने फेस पर जो रेडनेस की प्रॉब्लम आती है जब आप धूप में जाते हो तो आपका चेहरा जो लाल लाल हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप उसको कम कर सकते हो। और तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना ताकि आप दोस्तों सही और सटीक जानकारी ले पाओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते रहना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो पेंड्रम प्लस क्रीम में यूज़ किए जाते हैं ये दोस्तों स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि दोस्तों फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और फेस के लिए इतना ज़्यादा सेफ नहीं होते। तो अब दोस्तों हम सीधा पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं कि इसके कारण जो हमारे फेस पर साइड इफेक्ट्स, यानी कि जो फेस पर रेडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादातर रेडनेस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों वो क्यों आती है और कैसे आती है? तो दोस्तों जब हम इसको लगा कर धूप में निकाल जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जब दोस्तों हम इसका रेगुलर यूज़ करते रहते हैं यानी कि डेली, तब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, रेडनेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि इस क्रीम को अगर आप दोस्तों पहले डेली यूज़ करते थे तो अब डेली बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। आप इसको ओनली 3 दिन में एक बार ही यूज़ करो, यानी कि 7 दिन में आप इसका 2 दिन यूज़ करो, है ना। और जब आप इसका यूज़ करो तो उस दिन और या फिर उसके अगले दिन बिल्कुल भी धूप में मत जाओ, है ना। अगर आप धूप में जा रहे हो तो प्लीज़ यार अपने चेहरे को रुमाल से ढक लीजिए या फिर किसी अन्य चीज़ से आप ढक लीजिए। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओगे तो फिर से दोबारा आपके रेडनेस आ जाएगी। और दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने फेस पर मॉइस्चराइजर का उपयोग करना है। आप रोज़ वाटर को भी उपयोग कर सकते हो, और इस क्रीम को धीरे धीरे इस प्रकार आप 2 दिन में एक बार लगाओगे तो फिर 3 दिन में एक बार लगाना। इस तरीके से आप करते करते इसको धीरे धीरे बंद कर देना। बट दोस्तों आपको करना क्या है कि अपने फेस पर रेगुलर फेस को वॉश करने के बाद में मॉइस्चराइजर लगाते ही रहना है। आप जब भी अपने फेस को वॉश करो मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाओ। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि आपका फेस डल होता जा रहा है, यानी कि आपके फेस आपको ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा सा काला काला सा या फिर पहले से ज़्यादा डल होता जा रहा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में धीरे धीरे फेस डल होता है, लेकिन जब आप रेगुलर अपने फेस को वॉश करोगे और इसका बिल्कुल भी लगाना बंद कर दोगे तो वो दोस्तों रेडनेस की प्रॉब्लम पूरी तरीके से बाद में 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों ये प्रैक्टिकली चीज़ है, ये 1-2 दिन में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली, जैसा कि आप सोच रहे हो कि यार एक झटके में ही अपने फेस पर से जो रेडनेस की प्रॉब्लम वो कोई क्रीम लगाते हुए ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये प्रैक्टिकली चीज़ होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि दोस्तों जब हम इस क्रीम ऐसी क्रीम्स का डेली यूज़ करते रहते हैं तो फेस पर तो रेडनेस वगैरह और साइड इफेक्ट्स की प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि इन क्रीमों को जब हम जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, तो जल्दी से गोरे तो हो जाते हैं बट बाद में थोड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एक प्रैक्टिकली चीज़ है, अगर आप ऐसा रेगुलर यूज़ करोगे, मतलब रेगुलर फॉलो करोगे इस रूटीन को, तो आपको इस पर रेडनेस नहीं आएगी। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।